कनाडा T20I ट्राई सीरीज अब कहीं ना कहीं कंप्लीट हुआ, और अगर आप देखें तो एक 17वीं रैंक टीम और एक 19वीं रैंक टीम को एक 22वीं रैंक टीम ने इस पूरी T20I ट्राई सीरीज में मात देकर इस सीरीज को अपने नाम कर लिया। जी हाँ, कुमार और नेपाल जो कनाडा से अच्छे खासे हायर रैंक पर है, 17 और 19 पर बिल्कुल थे, और वहां पर जब ये सीरीज शुरू हो रही थी और कनाडा 22वें नंबर पर था, उस टीम ने अपने होम एडवांटेज में, होम ग्राउंड पर डेफिनेटली 4 में से 3 मैच जीत कर यहाँ पर इस T20I सीरीज को जीतने में कामयाब हुए। इस पूरी सीरीज की परफॉर्मेंस रिपोर्ट आपके सामने रखेंगे हम, मोस्ट रन, विकेट्स वगैरह, पूरी डिटेल, मोस्ट सिक्सेस, हाई स्ट्राइक रेट, सारी अपडेट यहाँ पर आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन सबसे पहले कनाडा को कांग्रेचुलेशन की इस T20I ट्राई सीरीज को उन्होंने जीता, जहाँ पर बहुत उन्होंने जो सबसे हाई स्ट्राइक टीम थी इन तीनों में, नेपाल उसकी बात करें 17वें नंबर पर वो थे इस सीरीज की शुरू होने से पहले, उनको तो 2 के 2 मैच उन्होंने हराए, और उसके बाद 19वें रैंक ओमान थी उनसे वो एक मैच हारे, और कल का एक मैच जो है इंपॉर्टेंट मैच जो उन्हें जीतना ही जीतना था वो उन्होंने जीता, और एट द एंड इस ट्रॉफी को भी कहीं ना कहीं उठाने में वो कामयाब हुए। तो खैर एक ही मैच वो इस राउंड में हारे, वहीं पर नेपाल की बात करें तो उन्होंने 4 मैच खेले, 2 उन्होंने यहाँ पर जीते और 2 हारे, बिल्कुल 2 जो होस्ट की तरफ, होस्ट के खिलाफ, वो दोनों के दोनों गेम वो हारे हैं। और अगर आप ओमान की बात करें तो उन्होंने 3 मैच गंवाए हैं और 1 मैच वहाँ पर उन्होंने जीता है, जो कि नेपाल से वो 2 मैच हारे हैं और कनाडा से 1 मैच हारे, और कनाडा को ही 1 मैच उन्होंने हराया, जो अभी आपने पॉइंट्स टेबल के जरिए देखा भी। चलिए अब यहाँ पर अगर बात की जाए एंड स्टैट्स वगैरह की, डिटेल्स वगैरह की, तो जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर सीरीज से रिलेटेड क्या कुछ स्टैट्स हमें निकल कर आते हैं। बहुत सारे स्टैट्स हैं इंटरेस्टिंग, जरूर लुकआउट करें। बिल्कुल, अगर हम बात करें मोस्ट रन्स की तो आकिब इलियास ने बनाए हैं 112 रन, वहीं हाईएस्ट स्कोर रोहित बड़ैल का रहा है 56 रन, 56 नॉट आउट। हाईएस्ट स्ट्राइक रेट गुलशन झा का रहा है 175.67 का स्ट्राइक रेट, और मोस्ट फोर्स जो है वो आकिब इलियास ने लगाए हैं 10 चौके इस ट्राई सीरीज में। उसके बाद मोस्ट सिक्सेस की बात करें तो अनिल शाह, जिन्होंने 6 सिक्सेस लगाए हैं, जी काफी कम है लेकिन फिर भी 6 हैं, 4 मैचेस मिले यहाँ पर, उसमें सिर्फ 6 छक्के हैं, खैर कोई बात नहीं। मोस्ट 50s में अगर हम देखें तो रोहित पुड़ैल और आकिब इलियास हैं जिन्होंने एक एक हाफ सेंचुरी इस ट्राई सीरीज में लगाई है। बिल्कुल, तो ये तो बात हो गई पूरी बैटिंग ड्रिल्स के बारे में। चलिए ये सारे स्टैट्स आपके सामने हैं, जहाँ पर बहुत ही लो स्कोरिंग ट्राई सीरीज रही, और बिल्कुल नंबर से ये पता हाँ, चल इतना रहा इंप्रेसिव है। नहीं जी हाँ, है इतनी इंप्रेसिव नहीं रही, तीनों ही टीमों के लिए बहुत लो स्कोरिंग मैचेस हमें देखने को मिले, जो कि हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे जरूर। सीरीज शुरू में। हमारे आपने सुना होगा कि यहाँ पर लो लो स्कोर डिफेंड होंगे, लो काफी लो स्कोरिंग रह सकता है, ट्रिकी हो सकता है, वही आप देखने को मिला। बताइए 4 इनिंग में 112 रन सबसे हाईएस्ट स्कोर है यहाँ पर, बिल्कुल और हाईएस्ट स्कोर इस पूरी सीरीज का जो अगर आप देखें उसमें 56 रन है, क्योंकि रोहित पुड़ैल ने यहाँ पर लगाया। इस पूरी सीरीज में अपर टीम को 4 4 मैच मिले, तो जाकर एक प्लेयर का सबसे हाईएस्ट छक्के हैं वो है सिर्फ 6, सिक्स जी तो हाँ, कहीं ना कहीं मोस्ट फोर्स भी सिर्फ 10 है। बहुत नंबर ही से कम। बता रहे हैं कि बहुत ही कम, बहुत ही लो स्कोरिंग ये सीरीज यहाँ पर कहीं ना कहीं रही है। चलिए अब जरा विकेट बॉलिंग टैली की तरफ आगे बढ़ते हैं। बॉलिंग टैली में अगर देखें तो सबसे पहले जो है मोस्ट विकेट्स की बात करें, संदीप लामिचा ने यहाँ पर 8 विकेट जाते हैं, आकिब इलियास के भी 8 विकेट है, लेकिन संदीप लामिचा ने का इकॉनमी और बाकी चीजें थोड़ी सी उनसे बैठ रहे हैं, इसलिए नंबर 1 पर वो यहाँ पर आ जाते हैं। उसके बाद मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलर की अगर बात करें तो यहाँ पर जितेंद्र सिंह है, जिन्होंने 4.24 की इकॉनमी से यहाँ पर रन खर्च किए, जो कि सबसे लोएस्ट है। उसके बाद बेस्ट बॉलिंग फिगर की यहाँ बात करें तो कलीम सना, जिन्होंने 4 ओवर में 26 रन देकर 4 विकेट निकाला, बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर रहा है। तो बॉलिंग में कुछ फिगर्स ये सब रहे हैं, एंड उसके बाद अदर स्टैट्स की बात करें तो वो कहानी क्या बयान। जरूर, मोस्ट कैचेस की बात करें इस ट्राई सीरीज में तो आयान खान ने सबसे ज़्यादा कैच पकड़े हैं 4। हाईएस्ट पार्टनरशिप जो रही है वो है अनिल शाह और आसिफ शेख के बीच, 70 रनों की जो एक पार्टनरशिप हुई वो हाईएस्ट पार्टनरशिप है। हाईएस्ट टीम टोटल की अगर हम बात करें तो 176.6 लगाया था नेपाल ने, ये जो हाईएस्ट इस ट्राई सीरीज का हाईएस्ट टोटल जो मारा था। लोएस्ट टोटल जो हमने कल देखा ओमान ने कनाडा के अगेंस्ट जो 82 पर ऑल आउट हुए हैं, वहीं बिगेस्ट विन अगर हम मार्जिन ऑफ रन से देखें, सबसे बड़ी जीत जो आई रनों के लिहाज से वो थी नेपाल, जिन्होंने 56 रनों से ओमान को मात दी। बिल्कुल, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टार्ट इस T20I ट्राई सीरीज से रिलेटेड जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी हमने आपके सामने रखा, और इसी के साथ ये सारे T20I सीरीज जो है वो कंप्लीट हुई। और अगर आप देखें और इसका फायदा अब आपको बताते हैं कि आखिर रैंकिंग्स में अगर किसी टीम को हुआ है तो वो है कनाडा। जी हाँ, अब जो है ये कल तक का अपडेट है, 2 अक्टूबर तक का जो ऑफिशियल अपडेट है ICC का, उसमें नेपाल एक पायदान नीचे गिर गई है, 17 से 18वें नंबर पर आ गई है, और जो कनाडा है वो 22 पर थी सीरीज से पहले, वो अब 21 पर आ चुके हैं, और कल का ओमान वाला मैच अभी भी इंक्लूड होना
बाकी उससे तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन फिर भी एक केरला को फायदा हुआ है कि एक पायदान ऊपर आए इकतीस पे, और नेपाल को घाटा हुआ है एक पायदान आए वो नीचे 18 पे, और नेपाल को दो तरफ से यहाँ पर दिक्कत सामना करना पड़ा। एक यूएसए जो लगातार जीता है उसकी वजह से यूएसए ने एक पायदान पुश किया, और नेपाल ने दो हारे करने के खिलाफ उससे उनको भी कहीं ना कहीं धक्का लगा, वो भी नीचे आए, तो एक पायदान नेपाल ने नीचे, अब फिलहाल 18वें नंबर पर वो बना हुआ है। तो ये और ओमान 19 के 19 नंबर पर ही बना हुआ है। तो ये सूरत हाल रहा है टी ट्वेंटी ट्राई सीरीज में, जहां पर कैनेडा डेफिनेटली ट्रॉफी के साथ साथ एक रैंक ऊपर भी रिवॉर्ड में लेकर गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बंद रहिए डील क्रिकेट चैनल से।